कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इसके लिए हमें राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा को विजयी बनाना है। सीएम शर्मा ने कहा कि देश से गरीब से लेकर अमीर तक सबके लिए मोदी सरकार ने कार्य की है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। अगर किसानों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अगर गरीब को सहारा देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से आए दिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने वायदा किया था राजस्थान की जनता से, हमने वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाया है, जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ा है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। आप देख रहे हो, आए दिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है।